चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, पुराना जमाना हो या आज का जमाना हो, आइडेंटिकल ट्विंस की परेशानियां तो काफी ज्यादा ही होती हैं, और खास करके तब जब वो एक ही स्कूल या कॉलेज में जाते हो। ऐसी ही एक कहानी कैलिफोर्निया में रहने वाले दो जुड़वा भाई हैरी और टेरी की है, जो एक ही स्कूल में जाते हैं लेकिन उनका डिवीजन अलग था। और एक बार जब हॉलवे में हैरी अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तब एक टीचर ने उसे हेलो कहा और क्लास की कुछ बातें करने लगी, लेकिन हैरी ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उस टीचर को पहली बार देख रहा था, और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। और यहाँ टीचर के मन में ऐसा आता था कि टेरी ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। और अगले दिन जब वो टेरी के क्लास में गई तो वो पूरे क्लास के सामने कहने लगी, टेरी कितना रूड स्टूडेंट है तू, जो अपनी टीचर को जवाब नहीं दे रहा। तब टेरी समझ जाता है कि उन्होंने उससे नहीं बल्कि उनके ट्विन ब्रदर हैरी से बात की थी। लेकिन दोस्तों, टीचर इतनी ज्यादा गुस्से में रहती हैं कि वो उसकी एक भी बात सुनती और समझती नहीं है, और क्लास के बाकी बच्चे भी उनसे कहते हैं कि हैरी और टेरी ट्विन्स ब्रदर हैं, तो भी वो बिल्कुल नहीं मानती हैं और टेरी को लंच ब्रेक से डिटेंड कर देती हैं और उसे पनिशमेंट दे देती हैं, और बेचारे टेरी को सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसा ही एक फनी किस्सा न्यूयॉर्क में रहने वाले डेविड और केविन के साथ भी हुआ था, जो दोनों ही आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। वैसे तो दोनों ही सातवीं क्लास के दौरान अलग अलग स्कूल में ही जाते थे, लेकिन एक दिन केविन को डेविड के स्कूल में बीच में ही ट्रांसफर किया जाता है, और वो अपने भाई डेविड के साथ स्कूल में जाने वाला था, और उसके अगले दिन ही साइंस लैब के दौरान डेविड गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, और उसे 2-3 दिनों की ब्रेक लेनी पड़ती है। और अगले दिन केविन डेविड के बिना ही स्कूल जाता है, और साइंस स्कूल के दौरान आगे जा करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त कहता है, क्योंकि वो नया स्टूडेंट था, लेकिन जब साइंस के प्रोफेसर्स और बाकी के स्टूडेंट्स उसे देखते हैं ना, तो चौंक जाते हैं, क्योंकि डेविड तो कल गिर गया था तो आज पूरी तरह से ठीक कैसे हो गया। और प्रोफेसर ने उससे पूछा, अरे डेविड तुम तो ठीक हो गए। तब केविन ने उन्हें बताया कि वो डेविड नहीं बल्कि केविन है, और वो दोनों ट्विन्स ब्रदर है। और केविन को उस दिन पता चलता है कि उसके जुड़वा भाई डेविड ने आज तक अपने स्कूल में किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया था, जबकि वो अपने स्कूल में सबको अपने ट्विन ब्रो के बारे में खुशी खुशी बताता था। दोस्तों, इन दोनों किस्सों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ट्विन्स की परेशानियां काफी होती है, और कभी कभी वो काफी फनी सिचुएशंस भी क्रिएट कर देती है। और ऐसे ही कई सारे फनी किस्सों से भरी होगी टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म जुड़वा थी। और आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसा ट्विन्स का कोई फनी किस्सा देखा या सुना है? तो अपनी राय हमें जरूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में, और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।